यदि आप भी हैं मोमोज खाने के शौकीन तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे देखने के बाद आपका मन मोमोज खाने के लिए शायद ही ललचाएगा। मामला जबलपुर के बरगी का है, जहाँ मोमोज की दुकान लगाने वाले दुकान संचालक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान संचालक राजकुमार गोस्वामी मोमोज बनाने वाले मैदे को पैरों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अब बरगी के युवाओं ने सरपंच के साथ मिलकर थाने में शिकायत पत्र देकर दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल राजकुमार गोस्वामी की बरगी के उपतहसील कार्यालय के सामने खाटू श्याम नाम से मोमोज की दुकान है और बड़ी संख्या में लोग मोमोज खाने आते हैं, लेकिन राजकुमार द्वारा इस तरह पैर से मैदा गूंजते हुए वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। राजस्थान का रहने वाला राजकुमार पिछले 3-4 साल से बरगी में एक किराए के मकान में रहता है और मोमोज की दुकान चलाता है, और राजकुमार द्वारा पैरों से मैदा गूंजते वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं लोगों की शिकायत के बाद अब बरगी पुलिस मामले की जांच कार्रवाई की बात कह रही है। अभी इस खबर में बस इतना ही अपडेट है, आगे कोई अपडेट आएगा तो वो भी आपको खबर विभाग के जरिए मिल जाएगा।